तो जी माशाल्लाह से तंदूर हमारा जल रहा है, लकड़ियां अभी डाल दी हैं, अब इनको नीचे करते रहेंगे, जैसे जैसे आग जना जलती रहेगी। फातिमा भी आ गई है। मैं ढोल चलाऊं। की चलाऊं है? माचिस रख दो फातिमा, आग लग जाएगी, रख दो। अम्मी मारती है ना, फिर सलाम भी करो, सलाम करो फातिमा। फातिमा डांस कर रही हो, सलाम भी करो फातिमा, सलाम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त हूँ। तो जी अभी दोपहर का टाइम है और अभी हम बनाने लगे हैं जी दोपहर का खाना, स्पेशल तंदूर की रोटी। जिनको रोज़ा नहीं है वो अपने लिए बना लेंगे, मुझे तो रोज़ा है। अम्मी जी को नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए ताया बू भी नहीं रखते। उन्होंने फिर सारा माल मवेशियों को भी देखना होता है, सारा काम करना होता है, इसीलिए वो अपने लिए बनाने लगे हैं जी तंदूर पे रोटी। क्योंकि पहले तो बारिशों का मौसम रहा, तंदूर हम जला नहीं सके। अब माशाल्लाह से मौसम बहुत साफ हो गया, दो दिन हो गया धूप निकल रही है, सूरज अभी जो है सर में है, सख्त दोपहर का टाइम है, गर्मी भी काफ़ी है आज, और तंदूर जो है वो जल रहा है अभी। आज माशाल्लाह से आग बहुत अच्छी जल रही है, वो इसलिए कि धूप अच्छी निकलती है और लकड़ियां जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गई हैं अब। और माशाल्लाह से आटा भी अभी हमारा बना पड़ा है, ये सुबह का पड़ा हुआ है। अम्मी जी और ताया अबू और अबू जी ने नाश्ता किया था तो ये बच गया था, तो उन्होंने रख दिया। अभी इसी की हम बनाएंगे जी रोटियां, वो बनाएंगे अपने लिए, मुझे तो रोज़ा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आटा मैंने बाहर निकाल के रख लिया है ताकि तंदूर जले, तो हम इधर से ही उठा के अम्मी जी को दे दें, और जो सुबह की रोटियां पड़ी होंगी वो हम डाल देंगे जी मवेशियों को। अभी ये तो ठीक रोटी है, इसको गर्म कर लेंगे, ये खाई जा सकेगी। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये हम डाल देते हैं जी मवेशियों को। गाय जो है ना बहुत शौक से खाती है रोटियां, क्योंकि हमने इसको सिखाया हुआ है शुरू से ही। और माशाल्लाह से अभी हमने देसकी में ले लिया है पानी, क्योंकि पानी भी साथ लगता है तंदूर पे रोटी लगाएं तो। और तंदूर बिल्कुल लाल हो चुका है, अभी हम बनाएंगे जी इस पर रोटियां। सूखा भी हमने रख लिया है, अभी बस जो गीला आटा है वो अम्मी जी लेकर आ रही हैं और अब बनाने लगे हैं जी रोटियाँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां बनाना हमने शुरू कर दिया है। इस तरीके से एक हाथ से सूखा लगता है और एक हाथ से पानी, फिर रोटी जो है ना आसानी से लग जाती है अंदर। अभी दूसरा पेड़ा बना लेते हैं, एक ही दफा में चार पांच रोटियां इसमें लगाई जा सकती हैं। अभी दो रोटियां लग गई हैं, अभी भी चार पांच रोटियों की जगह जो है बाकी है। और बाकी माशाल्लाह आज मौसम बिल्कुल साफ है, सख्त धूप निकली हुई है और हमारे लीमू जो हैं माशाल्लाह से इन्होंने फूल निकालना शुरू कर दिए हैं, अब काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं ये, इंशाल्लाह बहुत जल्द इन पर लीमू लगना शुरू हो जाएंगे। और अभी जो फातिमा है ना वो भी पास आकर बैठ गई है। फातिमा रोटियां लगानी है, रोटियां बना लेती है फातिमा? बनाओ, कैसे बनाती है फातिमा रोटियां? ऐसे भाई, मुझे तो बनानी नहीं आती, फातिमा बना लेती है, बड़ी अच्छी बच्ची है। माशाल्लाह से दो रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। फातिमा रोजा है कि नहीं? है रोजा।
अच्छा फिर रोटी नहीं खानी आपने, ठीक है ठीक है, फिर रोटी नहीं खानी। क्या है फातिमा, रोटी खाने का रोजा है? ठीक है चलो जी, फातिमा बनाओ रोटियां। फातिमा मुझे रोटियां बनाना सिखा रही है। ये मिट्टी पे ना रखो फातिमा, ऊपर उठा के बनाओ, सूखा लगा हुआ है, ऐसे ऐसे हाथों पे करो। तंदूर में लगा लोगी फातिमा? ठीक है। और माशाल्लाह से अभी तंदूर में दो रोटियां खड़ी हैं, बाकी हमने उतार ली हैं, ये भी माशाल्लाह से बन गई है। अभी ये बन रही है फातिमा की गुल्ली। बिल्कुल छोटी सी बनी है फातिमा आपकी गुल्ली। फातिमा ऊपर बैठ गई हो, नीचे उतरो, ये गिर जाएगी फातिमा, हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। ये लग गई जी फातिमा की गुल्ली। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी रोटियां बन गई हैं, अभी हम इसको लेके जा रहे हैं अंदर, और फातिमा ने सूखा उठाया हुआ है। चलो फातिमा ले आओ अंदर। तो जी माशाल्लाह से अभी रोटियों को मैंने लपेट कर रख दिया, क्योंकि अभी खाना खाने वाले जो हैं हाथ मुंह धो रहे हैं, ऊपर से ये चंगेरे भी दे देते हैं ताकि रोटियां हमारी ठंडी ना हो। फातिमा रख दो। अच्छा दूसरी पे करा रही हो, भूख लगे तो खाना खा लेना फातिमा। वैसे आज फातिमा को भी रोजा है। फातिमा रोजा है ना? हाँ जी हाँ जी, कहा करो फातिमा। तो जी माशाल्लाह से अभी सब मिलकर खाना खा रहे हैं जिनको रोजा नहीं है, और फातिमा जो है ना मक्खियां भी साथ साथ में उड़ा रही है। फातिमा मक्खियां बहुत ज्यादा है ना, गर्मियों के मौसम आ गए, दिन को मक्खियां और रात को मच्छर। फातिमा किसके साथ खाना खा रही हो, क्या बनाया आज? फातिमा अभी खा रही है जी तरबूज के साथ, सालन अभी नहीं बनाया, और लस्सी भी है साथ में। तो जी माशाल्लाह से अभी सब ने खाना खा लिया है और सब उठ गए हैं, अपने अपने काम करने के लिए चले गए हैं, और खाने पीने की चीज़ें भी सारी हमने समेट ली हैं अम्मी जी और मैंने, और अभी हम बैठे हैं सब फ्री, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, कोई काम तो है नहीं। तो जब अफ्तारी का टाइम होगा तो हम अफ्तारी बनाना शुरू करेंगे, अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है। और आज कपड़े भी धोए थे, बाकी कपड़े तो पहले सूख गए थे, उतार लिए थे। ये एक फातिमा की शलवार है, वो अभी मैंने उतार ली है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।